How the Little Kite Learned to Fly. This is a poem in the textbook by Catherine Pyle, who lived in the era from 1863 to 1938. Why is the date so important? Because the culture of that time, जो उधर उस देश की संस्कृति उसको डिपिक्ट करती है. काइट फ्लाइंग इज पॉपुलर, सब जगह होती है अमेरिका में. तो काइट, ये एक हमने एक ये थीम है जो काइट फ्लाइंग की, उसमें पर्सोनिफिकेशन की थीम यूज करी है. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज, उसके इम्प्लिकेशन है उसका, बॉल को एक आदमी के रूप में देखा जाता है, एक लिविंग बीइंग के रूप में देखा जाता है. एंड ये जो काइट फ्लाइंग है, जो कैथरीन पाइले में जो काइट का जो ऊपर उड़ता है, इट फ्लाइज अप, इट हैज़, शी हैज़ यूज्ड द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ पर्सोनिफिकेशन. पर्सन, देखो पर्सोनिफिकेशन, पर्सन बना देता है. काइट को उसने एक पर्सन बना दिया. पर्सोनिफिकेशन, आप एक बॉल को भी आदमी के रूप में बोलो, द ही और शी बोलो उसको, जिसका न्यूटर जेंडर होता है. काइट का न्यूटर जेंडर होता है, सिंग है ना, ना ना मेल जेंडर ना फीमेल, काइट का न्यूटर जेंडर. पर उसको हम एक ह्यूमन बीइंग बना देते हैं, है ना, ह्यूमन बीइंग बना देते हैं. नाउ काइट फेस्टिवल्स इवन इन इंडिया आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. दे आर वेरी ऑस्पिशियस, शुभ माना जाता है. मकर संक्रांति के टाइम पे अगर आप देखिए, सब लोग काइट्स फ्लाई करते हैं. छोटे बच्चे, बड़े बच्चे काइट फ्लाइंग करते हैं. मकर संक्रांति, व्हेन जब सूरज सन एंटर्स द प्लैनेट केप्रिकॉन, संस्कृत मोक्षा. अगर आप वेदास पुराणास में भी देखेंगे तो काइट फ्लाइंग वो चलाते थे, काइट उस समय भी था. और अमेरिका में भी काइट फ्लाइंग, जब सीज़न बिल्कुल ठीक होता है, सीज़न बिल्कुल ठीक होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा हवा ना ज़्यादा ठंडी, जनवरी के महीने में और ये सीज़न आता है, और सब जगह स्पेशली इन गुजरात काइट्स चलाते हैं. जिन लोगों को आता है, अच्छे से अच्छा धागा, अच्छी से अच्छी टेक्निक यूज़ कराते हैं. सो पर्सोनिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन इज़ यूज्ड, विच इज़ दैट जो जिसमें लिविंग आत्मा नहीं है उसको लिविंग आत्मा, ह्यूमन फॉर्म, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म. द पोएम इज रिटन बाय कैथरीन पाइले, हु मोटिवेट्स थ्रू दिस पोएम. ये काइट फ्लाइंग की पोएम के आधार पर वो सब बच्चों को, छोटे बड़ों को इनकरेज करती है, उनको निडर विदाउट फियर, डर फियर, निडर विदाउट फियर, सब बच्चों को बिना डरे एक मेहनती हार्डशिप, मेहनत करना उसको सिखाती है, कि सबको कोशिश, ट्राई, कोशिश करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए. हम लोग बचपन में साइकिल चलाते थे, हम डर जाएंगे, हम फिर साइकिल चलाना ही नहीं सीख पाए थे. मैं तो नहीं सीख पाई थी. तो डरना नहीं है, एक दो बार हल्का फुल्का गिर भी जाओ, फेल भी हो जाओ, उससे हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और एवेंचुअली एवेंचुअली एंड में हम लोग बहुत ऊंची उड़ान, फ्लाई, ऊंची उड़ान. ओके, तो हम अब पोएम शुरू करते हैं. स्टैंजा वन. स्टैंजा का क्या मतलब है? एक पैराग्राफ या एक वर्स को स्टैंजा हो गया. स्टैंजा वन, स्टैंजा का क्या मतलब है? स्टैंजा का मतलब वर्स, एक पैराग्राफ. जब हम पोएम बनाते हैं तो एक पैराग्राफ बनाते हैं, एक पोएम बनाते हैं. एक पैराग्राफ, एक वर्स, वी ई आर एस ई, है ना. हिंदी में भी पोएम लिखोगे तो पोएम ऐसा थोड़ी ना लिखते हैं. एक एक वर्स, एक वर्स को, वर्स को हिंदी में वर्स, एक वर्स, एक स्टैंजा या एक पैराग्राफ बोलेंगे, है ना. एक, फिर वो उसमें जगह छूटेगी सेकंड स्टैंजा में, उसको पोएम बोलते हैं. पोएम मतलब कविता. तो ये काइट की कविता है, जिसमें सब बच्चों को सिखाया गया है, छोटे बड़े को. अगर आप पहली बार काइट
चला रहे हैं. और काइट को क्या थीम दिया है परसों ने, उसको आदमी बनाया है, उसमें लिविंग आदमी बनाया है, काइट बनाया है, लिविंग आदमी. एंड तो सबसे पहले ये पोएम कैसे शुरू होती है, आई कैन नेवर डू इट, आई कैन नेवर डू इट. द लिटिल काइट, छोटा बच्चा है, लिटिल काइट मतलब इधर छोटा बच्चा, मैं नहीं कर सकता. वो बहुत डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है. परंतु कैथरीन पाइले पोएम में सिखाती है, एज ही लुक्ड एट द अदर्स, अरे ये तो बहुत बड़ा बड़ा काइट है, मैं कैसे उतनी ऊंचाई तक, ऊपर तक, इतनी सारी, अपना ऊपर से ऐसे देखता है, लिटिल काइट देखता है या देखती है, जो भी है वो ऐसे देखता है, और मैं कैसे जाऊंगा ऊपर, कैसे चलाऊंगा मैं. नहीं, आपको कुछ नहीं होता, हमको अब साइकिल चलाना नहीं आता, क्योंकि हमने कोशिश ट्राई नहीं किया, डर डर के हमने, मेरे को अभी सीधा ही फिर हमने गाड़ी पर चलाना सीख लिया. परंतु लाइफ ऐसी नहीं होती, एक दो बार आप गिरो भी, फेल भी हो जाओ, अपन को ऊंचाई पर ज़रूर पहुंचोगे अगर आपकी कोशिश है. वही कैथरीन पाइले इस पोएम में बताती हैं, आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई, अगर मैं कोशिश करूँगा, मुझे आई नो, नो मीन्स मुझे पता है, आई विल फॉल, मैं तो गिरूँगा ही गिरूँगा पक्का, मेरे को तो डर लग रहा है. फिर बड़ी काइट क्या बोलती है, पर्सोनिफिकेशन, वो भी एक लिविंग बींग है, ह्यूमन बींग. ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल. कोशिश करो, ट्राई का मतलब कोशिश करना, कोशिश करो, नहीं तो सिर्फ कोशिश करो. जैसे भगवद गीता में लिखा है, फल की चिंता नहीं करना है, कर्म करो और कोशिश करो और डरना नहीं है. रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था, व्हेन द माइंड इज विदाउट फियर, डर के कोई काम नहीं करो, कोशिश, आप गलत काम तो कर नहीं रहे, कोशिश करो. और आई फियर यू विल नेवर लर्न. सो बड़ी काइट क्या कहती, मुझे भी डर लग रहा है, आप कभी जिंदगी में काइट फ्लाइंग कर ही नहीं सकते, लर्न सीख नहीं सकते. बट फिर छोटी काइट, बट इफ आई मैं गिर जाऊंगा तो क्या होगा, छोटी काइट ने क्या बोला, फिर पर्सोनिफिकेशन. लिटिल काइट भी इधर एक ह्यूमन बींग है, लिविंग आत्मा है, पर्सन है, पर्सोनिफिकेशन. मैं तो गिर जाऊंगा, I am afraid I'll fall. The big kite nodded. Ah, well, goodbye. Big kite nodded. Ah, well, goodbye. अच्छा ठीक है, अब किसी को बहुत बोलो, कोई टीचर भी बहुत बोले, करो 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 करो, फिर आखिरी में सबकी लाइफ होती है. तो बड़ी कट, अच्छा चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, बाय, गुड बाय, नमस्ते, बाय, मैं जा रहा हूँ उड़ने, मैं तो आनंद लूँगा, आनंद इंजॉय, आनंद लूँगा मैं ऊपर, बहुत मज़ा आता है. अब जो एरोप्लेन पायलट सीख गए उनको तो बहुत मत, पर उन्होंने ये ऐसे मत सोचो कि उन्होंने मेहनत नहीं करी, कोशिश करके फेल होके. मेरी मम्मी बोलती थी, अगर बच्चा गिर गया कोई बात नहीं, इसका सिर मजबूत हो जाता है, गिरने से भी मत डलो, एक दो बार छोटी मोटी चोट लगे कुछ नहीं होता. तो बिग गॉड, तो वो चला गया, कोई आपके पीछे नहीं जाएगा. आपका माइंड को स्ट्रांग बनाओ, कोशिश करते जाओ करते जाओ, चाहे दो तीन बार फेल हो, दो तीन बार गिर. तो इसका इम्प्लीकेशन है कि जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप दो तीन बार फेल नहीं होगे, आप मत सोचो कि लाइफ में सब चीज़ आनंद ही आनंद शुरू से मिल जाता है. हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी है, और वो अगर आपको बोलते हैं पढ़ो काइट, तो इसका वो मॉरल, उसकी सीख ये दे रहे हैं कि कोशिश करो, मेहनत करो, डरो नहीं, करो. आई एम ऑफ आंटी रोज, एंड वो बड़ी काइट, तो जी मैं तो जा रहा हूँ इंजॉय करने, इतना आनंद आता है. अगर मैं अब टीचर बन गई तो मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है, आप बच्चों को सिखाते हुए. मैंने भी तो पढ़ाई पहले करी, तब तो टीचर बनी. ट्रैंक्विल स्काई, ट्रैंक्विल का क्या मतलब होता है, पीसफुल, शांति, बहुत सुकून मिलता है. ट्रैंक्विल, याद रखना ट्रैंक्विल की स्पेलिंग, स्काई का मतलब खुला आसमान, नीला आसमान, उधर तो भगवान जैसे है, डिवाइन, भगवान जैसे शांति का स्वरूप. द काइट वंडर्स
फिर भी छोटी काइट सोचती, मैं कैसे करूँगा, हे भगवान मुझे शक्ति दो। ही फेल्ट दैट ही वुड डेफिनेट, उसके पक्का था कि वो गिरूंगा गिरूंगा। गिरना से नहीं डरना चाहिए, कैथरीन पाइले बोलती है। द काइट फ्लाइंग ऑन द स्काई इनकरेज द काइट, तो फेल तो होगा ही होगा सब एक बार में। स्टैंजा टू, पार्ट टू, या फिर छंद या वर्स, ये पतंग, काइट मीन्स पतंग। देन द लिटिल काइट्स पेपर, एक तो आपको मालूम होता है कि पतंग रंग बिरंगी होती है और उसका कागज़ बहुत ही मुलायम और पतला होता है। क्यों होता है मुलायम? साइंटिफिक रीज़न ये है कि उसको बहुत ज़्यादा चाहता है वो। एरोप्लेन सी साइंस से बनी हुई है, तो उसने अपनी आँखों से देखा, इट स्टेयर्ड, उसकी आँख काइट स्टेयर्ड एट द साइट, उसने देखा, उसको मजबूती दिखी कि पतला सा पतंग का कागज़ ऊपर तक जा सकता है। देखते गया तो वो देखते गया कि मेरी पतंग, मेरी छोटी पतंग का कागज़ अपनी आँखों से, साइट मतलब अपनी साइट, आँखों की साइट, उसका जो साइट है देखने का स्टेयर ऊपर तक चली गई। अरे वाह, बट फिर भी वो ट्रेम्बल कर रहा था, मतलब कांप रहा था। ही शुक हिमसेल्फ, इधर काइट एक ह्यूमन बीइंग है तो शुक मतलब ही शुक हिमसेल्फ फ्री, फिर भी वो डरा नहीं क्योंकि उसकी फ्लाइट ऊपर जा रही थी, उसकी पतंग ऊपर जा रही थी पतले कागज़ के साथ। तो फ्री कर दिया उसने अपना वो ट्रेम्बल पतंग। देखो, आप जब साइकिल चलाते हो, एकदम से चलने लगते हो या स्विमिंग करने लगते हो, तो फ्लाइट फ्री हो गया, वो फ्री फॉर फ्लाइट, उसका जो पतंग का ऊपर फ्लाई करने को फ्लाइट बोलेंगे अपन। फर्स्ट वर्लिंग एंड फ्राइटिंग, पहले घूमा एंड पहले डरा, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, फ्राइटेंड, एंड नाउ ही वॉज ब्रेवर ग्रोन, अब वो ग्रो हो गया। अब जो मैं 5 साल की थी, 7 साल में तो मैच्योर हो जाती हूँ, अब मैं इतनी बड़ी हो गई तो मैं ग्रो हो गई, बड़ी हुई, एक प्लांट भी ग्रो होता है, तो स्ट्रांग बन गई, ब्रेवर ग्राउंड। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, अप ही रोज, ऊपर जाते गए थ्रू द एयर अलोन, टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टेडिली, टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी। अरे ऊपर से जैसे दो पैरो एरोप्लेन है, छोटा एरोप्लेन और बड़ा, ऊपर एक बड़ा एरोप्लेन इधर है और एक छोटा एरोप्लेन है, तो बड़ा भी देख रहा है, अरे ये तो छोटा एरोप्लेन, मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा कुलीग ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और इसको भी मज़ा आ रहा है, उसको भी देखने में मज़ा आ रहा है। टिल द काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वाइट रेडी, मजबूती से, बहादुरी से, राइजिंग का मतलब सन राइजेज इन, ऊपर उठ रहा है, राइजिंग ऊपर, स्टेडिली मजबूती से, थोड़े स्ट्रांगली, स्टेडिली स्पेलिंग चेक करना, और ऊपर ऊपर जा रहा है, और दोनों मज़े से। फिर बाद में स्टैंजा थ्री में बताएंगे, छंद में बताएंगे स्टैंजा थ्री। द काइट फ्लाई हाइंग इन द स्काई, जो काइट्स ऊपर में देख रही थी वो बिल्कुल तंग आ गई थी छोटी काइट को ऊपर कोशिश करना, और छोटी काइट्स को बोलना, अरे स्ट्रांग बनो, जैसे तुम्हारे कोच होते हैं, टीचर होते हैं, छोटी काइट को बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं, फिर तंग आ जाते हैं, बड़ी काइट, बड़ी लोग फिर तंग आ जाते हैं, दे स्टॉप फोर्सिंग, अरे बेटा, आपके पेरेंट्स भी, अच्छा बेटा जो करना है करो। सिमिलरली बिल्कुल वैसे जो बड़ी काइट्स थी वो छोटी काइट को बोलना बंद कर दी, और बहुत लिटिल काइट घबरा, नर्वस मतलब, बट हिज माइंड सून बिकम्स ब्रेवर, हिज माइंड सून बिकम्स ब्रेवर एंड राइजेज अप इन द स्काई, बोथ लिटिल एंड बिग काइट्स फ्लाई टुगेदर हैप्पीली। तो बड़ी और छोटी काइट्स ऊपर अच्छी से रहते हैं, और बड़ी वाली छोड़ दी है, और वो छोटी काइट ब्रेव हो गई। इस स्टैंजा थ्री, नाउ द लिटिल काइट वॉज गर्व के साथ खुश हो गई, जो छोटी काइट थी जो ऊपर अब
सेल मतलब आराम से सेल हो रही थी. एज ही सेल्ड विद बिग काइट साइड बाय साइड फाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राइट एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स 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 मतलब एक कोना मूविंग अराउंड. सो वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड. अब छोटी काइट भी बहुत ऊंचाई पे चली गई और वो उसको देख रही थी, छोटी काइट को देख रही थी. दे रेस्टेड हाई फिर ऊपर में. अभी एक बार ना आप जैसे साइकिल चलाओगे फिर आप हाथ छोड़ के भी साइकिल बैलेंस करना सीख जाते हो ना, तो कुछ नहीं, अरे आप तो स्विमिंग कर ले बिना हाथ पैर चलाए सीख लेते हो. तो वो बहुत स्काई में ऐसे घूम रही थी. दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स. आप सोचो कितना मज़ा आएगा अगर आप आसमान की ऊंचाई में एरोप्लेन में बैठे हो, उसको देख रहे हो, सेरेनिटी को, पीसफुलनेस को, एक चिड़िया को देख रहे हो, एक क्लाउड को देख रहे हो. खूब मज़े से छोटी काइट बहुत इंजॉय कर रही थी एंड ऑल द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर. ओह छोटी काइट क्या बोलती, आह मुझे कितना खुशी मिल रहा है, आह मुझे आई एम हाउ हैप्पी आई एम. द लिटिल काइट क्राइड, वो खुशी के आंसू, क्राइड मतलब रोना, तो आंसू से खुशी के आंसू आ गए. अरे मैं डर रही थी फालतू का, मैं ऊपर पहुंच गई हूँ, आई हैव रीच्ड ऑन द टॉप, हाउ हैप्पी आई एम. द लिटिल काइट क्राइड एंड जस्ट बिकॉज क्योंकि आई वॉज ब्रेव एंड मैंने क्राइड कोशिश करी. जस्ट बिकॉज आई वॉज ब्रेव और मैंने कोशिश करी. द हैप्पीनेस, द खुशी जो उसको मिली, एक्सपीरियंस जो उसने एक्सपीरियंस करी, जो उसको अनुभव किया बाय द लिटिल काइट वॉज ग्रेट. इट बहुत ज़्यादा खुशी मिली. आप जब फर्स्ट आते हो पहले तो हम पढ़ते हैं, अरे मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं लिख सकता, मैं तो तंग आ गया हूँ, पढ़ पढ़ के तंग आ गया. पर जब आप फर्स्ट आते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, अरे पता नहीं मैंने कैसे कर लिया. नहीं, आपने कोशिश करी, आपने निडर होके कोशिश की एंड आप सक्सेसफुल हो गए, है ना. तो आई वॉज हैप्पी टू बी सक्सेसफुल एंड कुड सी अदर स्मॉल काइट्स. अब मैं वो बड़ी काइट के साथ पढ़ता हूँ. अब मैं हाई लेवल का हो गया हूँ और छोटी काइट को, अब टीचर बन गया, छोटी काइट को समझाऊँगा कि आप कोशिश करिए एंड येट टू रीच दैट लेवल. उस लेवल पे, उस ऊंचाई पे आप सब लोग जा सकते हैं, ये मत सोचो. उसने कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं खाया, उसने कोई एक्स्ट्रा चीज़, बस कोशिश, मेहनत से, लगन से ऊपर जाओ और सब चीज़ आ जाता है. भगवान से हेल्प ले लो, उससे पूजा से. कुड ईजली मिंगल, और मिंगल मतलब मिक्स होना सब काइट्स के साथ. अब एक क्लास में अगर आप बच्चे बैठते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे अलग बैठ जाते हैं छोटे बच्चे, और टीचर में भी कभी कभी टेंडेंसी आती है बड़े बच्चों को पढ़ाएं, ऐसा नहीं है. सब मिलजुल के, कोई चीज़ किसी में अच्छी है कोई, दोनों मिलजुल के मिंगल करो, मिक्स करो. कोई किसी को भी नीचा नहीं दिखाना, ना बड़ा ना छोटा. कोई जो पहले छोटा है वो बड़ा बन जाता है, इसका ये मॉरल है. एंड सबको एक सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी आपके टेक्स्ट बुक में ये वर्ड है, ट्रैंक्विल, शांति, पीसफुलनेस मिलेगा, खुशी मिलेगी, और सब लोग मिलजुल के, मिंगल मिलजुल के आगे की उड़ान भरेंगे. सो द मॉरल ऑफ दिस पोएम विच हैज़ बीन गिवन टू अस बाय द अमेरिकन पोएट कैथरीन पाइलर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन, नेवर टू बी स्केर्ड, नेवर टू be scared of doing your studies, doing any kind of sport, never be scared, because nobody will fall, and even if you fall, you will have the determination. वो मजबूत इरादा है कि हम करेंगे ही, उस इरादे से काम करेंगे, and you will always be successful. ये याद करना, always positive thinking, always hard work, always you will always be successful. All big sportsmen, विराट कोहली से लेके all big cricketers, अरे हमको शाहरुख खान को देना, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं,
जितने स्पोर्ट्स हैं, वेट लिफ्टर्स हैं, ओलंपिक्स पहुंच गया, अरे मेरे को भी ऐसा बनना है, मेहनत करना है, निडर होना, कितनी चोटें लगती हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस को भी चोटें लगती हैं, फिर भी वो आगे बढ़ते कि आई हैव सीन पीपल डांसर्स, एक टांग क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, एक टांग से स्पोर्ट्स खेलते हुए, डिटर्मिनेशन, सब चीज़ माइंड में होती है। तो हमेशा खुश रहो बच्चे, ऑलवेज हार्ड वर्क करो, ये मत सोचो मैं नहीं कर सकता, और सब लोग मिलजुल के बड़े छोटे करो, सब लोग बड़े बने, सब लोग इक्वल बने, सब लोग खुशी से बने, सब पतंग उड़ाओ सीजन में, खुशियाँ मनाओ। मेरी तरफ से चलो चलो।